हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग साइकोलॉजी मैकलन थियरी ऑफ नीड्स। तो थियरी ऑफ नीड्स मैकलन ने बनाया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो उसने तीन नीड्स बताया था कि जो वर्कर होता है उसके अंदर तीन नीड्स होते हैं, एम्प्लॉय के अंदर। एक होता है नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर अचीवमेंट का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? इट इज़ अ नीड टू एक्सेल, मतलब वो बढ़ना चाहता है। अकम्प्लिश मतलब हासिल करेगा, कॉन्स्टेंटली बार बार इंप्रूव परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। इंडिविजुअल हाई ऑन दिस नीड्स, जो इंडिविजुअल के पास ये नीड्स होता है ना, नीड ऑफ अचीवमेंट, हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, उसकी इच्छा होती है टू सक्सीड एंड टू बेटर देन अदर, दूसरे से वो बेहतर करें। तो ये होता है नीड फॉर अचीवमेंट। वैसी एक नीड्स है नीड्स फॉर पावर, इट इज़ अ डिज़ायर। क्या होता है डिज़ायर? मतलब इच्छा होता है टू बी इन चार्ज, कि मुझे एक अथॉरिटी मिले, पावर मिले, मैं इसका चार्ज बनूँ, एक अच्छा पोस्ट मिले, टू बी एबल टू एक्सेस कंट्रोल ओवर अदर, ताकि मैं दूसरे को कंट्रोल करूँ। तो उसको बोलते हैं नीड फॉर पावर। जैसे नहीं का स्कूल में जब टीचर नहीं रहती है, थोड़ा 5-10 मिनट के लिए बाहर जाती है, तो टीचर मॉनिटर अपॉइंट करती है, बोलती है क्लास को संभालो, तो वो जो बच्चा संभालता है ना, उसको बोलते हैं नीड फॉर पावर। इंडिविजुअल विद हाई पावर मोटिवेशन हैव स्ट्रॉन्ग अर्ज टू इन्फ्लुएंस पीपल, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं नीड फॉर पावर। और थर्ड नीड्स क्या है? नीड फॉर एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब होता है क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप, मतलब वो लोगों से अच्छा ताल्लुक, अच्छा रिश्ता, क्लोज कॉन्टैक्ट बनाएगा एम्प्लॉयज़ के साथ, वर्कर के साथ, सबके साथ। इट इज़ अ डिज़ायर टू इफेक्टिवली रिलेट टू पीपल एंड एक्सेप्टेड बाय अदर, ताकि मैं जो काम करूँ लोग मुझे उसको सराहने, मतलब तारीफ करें। एफिलेट मतलब ग्रुप बना के, ताकि लोगों से अच्छा रिश्ता बना रहे। तो ये थ्योरी थी। तो मैकलन रिसर्च वॉज ऑन नीड फॉर अचीवमेंट। तो उसने नीड फॉर अचीवमेंट में डिटेल में समझाया कि जो नीड फॉर अचीवमेंट होता है, अचीवर्स होते हैं, उनके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। दे आर मॉडरेट रिक्स, मॉडरेट मतलब होता है लिमिटेड, ना ज़्यादा ना कम। तो उन लोग ज़्यादा रिक्स नहीं लेते, लिमिटेड रिक्स लेते हैं। जैसे कि 50%, मतलब मान लो कि कुछ भी काम करें तो उन लोग ज़्यादा रिक्स वाला काम नहीं करेंगे, एक ऐसा लेवल का काम करें जिसमें ना कम रिक्स हो ना ज़्यादा रिक्स हो। तो मॉडरेट रिक्स लेने की कोशिश करते हैं गोल को अचीव करने के लिए। और उनकी खास बात क्या है? दे ट्राई टू डू फीडबैक, मतलब वो लोगों से फीडबैक लेना चाहते हैं, जो भी काम किया है, जो भी काम हो रहा है या काम कर रहा है, तो उसके वर्क के ऊपर वो फीडबैक चाहता है कि मेरा काम कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जिससे वो अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता है। और नीड फॉर अचीवर्स में और एक क्या होता है? पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जो भी काम करता है ना, इंडिविजुअल हाई ऑन नीड फॉर अचीवमेंट, मतलब जो भी नीड है पर्सन, लाइक जॉब्स एंड टास्क, जो भी काम करता है वो अच्छा लगता है उसको। दे आर प्रिपेयर टू टेक बोथ क्रेडिट एंड ब्लेम फॉर वर्क आउटकम, अगर अच्छा काम हो तो मेरी तारीफ करो, बुरा हो तो मुझे चिल्लाओ, तो खुद जिम्मेदारी उठाते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं, मतलब कुछ बड़ा करना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योर मतलब होता है कि एक बिजनेसमैन, हाई अचीवर्स आर एंटरप्रेन्योरियल इन नेचर, मतलब दे लाइक टू हैव देयर ओन बिजनेस, खुद का बिजनेस होता है, खुद का बिजनेस चलाते हैं और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहने की कोशिश करते। और वो वही काम करते हैं जो उसकी एबिलिटी को मैच करता है, जो टैलेंट है, जो मन में इच्छा है, जो जॉब्स चाहते हैं, वो वही काम करते हैं, दूसरा काम नहीं करते। तो क्या बोला है? इंडिविजुअल्स हाई ऑन अचीवमेंट मोटिवेशन चूज ऑक्यूपेशन, जॉब सिलेक्ट करते दैट आर रियलिस्टिकली मैच देयर एबिलिटीज, जो उनके पास खूबी है वही काम करेगा। अभी जैसे कि मैं टीचर हूँ तो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैं किधर जॉब करना पसंद नहीं करूँ, क्योंकि मेरा मन टीचिंग में लगता है ना, तो मैं अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम करूँ। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, इसमें क्या होता है मालूम है क्या? दे बिलीव दैट दे कंट्रोल देयर डेस्टिनी, मतलब वो अपना जो किस्मत खुद लिखता है, वो किसी के ऊपर बिलीव नहीं करता है, और वो अपना कार्य से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो उस पर उसकी जिम्मेदारी उसकी है। दे होल्ड देमसेल्फ अकाउंटेबल फॉर सक्सेस और फेलियर, अकाउंटेबल मतलब जाओ अगर कामयाब हुआ तो खुद अपनी वजह से हुआ, अगर गिरा तो भी खुद की वजह से हुआ। तो ये इस तरह के अचीवर्स की कैरेक्टरिस्टिक बताया है। तो ये तुमको मैकलन थ्योरी ऑफ नीड्स अगर एग्जाम आया तो शॉर्ट फॉर्म में लिख डालने का। तो थ्योरी ऑफ नीड्स में क्या बताया? एक नीड ऑफ नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।